तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल और एक अनदर ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग रहेगा मेरा घर। आज अपना घर का टूर दिखाऊंगा। मैं अपना घर आया हुआ हूँ लोहरदगा से खलारी धमधमिया। धमधमिया की जगह का नाम है। जो घर साइड में रहते हैं वो लोग मुझे जानते हैं, तो जो नहीं जानते लोहरदगा के वो उन लोगों के लिए है ये ब्लॉग खासकर। और मैं अपना घर दिखाऊंगा कहाँ पे है, स्टार्टिंग से घर घुसते हुए कि अंदर में कैसा है पूरा दिखाऊंगा अपना। और इसके बाद बाहर निकलेंगे, उसके बाद दिखाऊंगा आप लोगों को कोल माइंस तरफ जिधर कोयला निकलता है उधर घूमेंगे। पहले कैसा था और अभी कैसा है बताऊँगा मैं, तो बने रहिए मेरे चैनल में। पहले घर दिखाता हूँ उसके बाद चलेंगे, ठीक? ओके। देखिएगा भूतिया हवेली मेरा घर। तो देखिए मेरा घर, ये बड़ा गेट, बाहर से छोटा लगता है पर अंदर से थोड़ा थोड़ा बड़ा है। ये मेन गेट है आना जाना के लिए, पर अभी खुला हुआ है ये वाला, ये बंद रहता है। और ये पहले घर नहीं था, पहले ये दुकान था जो देख रहे हैं यहाँ। पहले ये घर उस टाइम यहाँ नहीं बना हुआ था, ये रूम पहले ये इस तरह बाहर जैसा है उस जैसा था। पहले एक दुकान था पहले, तो बाद में बना है। पहले मैं कॉलोनी में रहता था, तो कॉलोनी से शिफ्ट हुआ है इस जगह पे करीब 2014 या 2013 आसपास में। तो ये देखिए मेरे किटी खाने के लिए मांग रहे हैं, कुछ परेशान हुई हुई है। मेरा बाइक यहाँ लगा हुआ है, ये मेरा बाइक का एरिया है खड़ा करने का। और एक और बाइक है पापा लेके गए हुए हैं। और ये देखिए घर का लोकेशन, दुकान का बना हुआ है, रेक सब बना हुआ है। दुकान था पहले, इसलिए बता दे रहा हूँ। तो पूछेंगे कि रेक क्यों बना हुआ है, दुकान था पहले, ये भी नहीं था पहले, बाद बना है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, पंखा चालू नहीं करेंगे अभी, ये बंद करके रखे हुए छोटा पंखा। तो चलिए आपको पूरा दिखाता हूँ रूम। ये देखिए मेरी छोटी किटी आगे पीछे घूम रही है, या अंधेरा नहीं दिख रहा होगा, रुकिए। अच्छा परेशान हुई हुई है। अरे चुप हो जा। देखिए अभी भी पीछे पड़ी हुई है, नहीं छोड़ेगी आज। ये देखिए पूरा अंधेरा है। पहले हम पहले सबसे पहले अभी गेट खोल लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक? लाइट चालू होने के बाद भी अंधेरा है। पहले मैंने उधर जाके मेरा गेट खोल लिया, तो लाइट ऑन कर लेता हूँ। तो देखिए पानी रखने के लिए पलंग तो अभी बनाया नहीं हुआ है, ऐसी है। बोल रहा हूँ एक रूम है इधर, ये इधर इस तरह का देखिए रूम, इसमें सिर्फ ऐसी सामान रखा हुआ, कोई रहता नहीं है अभी। पहले रहता था मैं, यह सोता था पहले, अभी तो नहीं सोता, अब तो मैं लोहरदगा में रहता हूँ। ये अभी ऐसी जितना भी कबाड़े सामान या धान चावल सब रखा हुआ है इधर, बक्सा सामान में सब अलमारी रखा हुआ है, गार्बेज का सामान सब इसी में है। ये है हमारा पूजा का रूम, ये है देख रहे पानी टपकता है। देखिए दीवार का हालत ख़राब है, मेरी मम्मी यहाँ पूजा करती है, मैं भी कभी कभी करता हूँ। तो आगे चलिए दिखाता हूँ आप पे।
ये भी वही रूम है, इसमें भी कोई सब कोई रहता नहीं है, बस ये रूम में सिर्फ सामान सब भरा हुआ है, अभी नहीं खोलेंगे। ये पलंग ऐसे पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं, कोई रहता ही नहीं। रोहित मेरा भाई रहता है, मम्मी और पापा रहते हैं बस। कह अब तो मम्मी भी नहीं रहेगी, जाएगी लोहरदगा, तो अभी ये भी इसी तरह से पहले किचन रूम था, शिफ्ट किया गया किचन रूम, तब तो वहाँ पे देख रहे सब सामान कचरा का सामान रखा हुआ है यहाँ पे। और ये हमारा मशीन लगा हुआ है पानी के लिए, कुआं दिखाता हूँ आप लोगों को। और ये बिल्ली परेशान है मेरे, ये पानी भरने के लिए। और लोकल बाथरूम बनाया हुआ, टंकी को काम करनी है, पर लकड़ी रखा हुआ देखिए, इतना सारा कचरा रखा हुआ है भर के पानी के लिए। ये हमारा छोटा बगीचा समझ लीजिए, खेत, पर इसमें कुछ लगाया नहीं हुआ है। पपीता होगा तो दिख रहा होगा पपीता वहाँ पे, एक हमारा कुआं यहाँ पे। देखिए पूरा झुड़ी है, झाड़ से तो भर चुका है, गर्मी में साफ दिखता है, अभी बरसात है तो पूरा झूड़ है, सफा तो करना नहीं है, कुछ लगाना तो है नहीं। और ये रहा हमारा कुआं, पीने का पानी इसमें इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ नहाने धोने का पानी। ज्यादा गड्ढा नहीं है पर पानी बहुत बुझरता है। बिल्ली मेरे पीछे पड़ी हुई है। और अगले ब्लॉग में मैं आप लोगों को अपना लोहरदगा का घर दिखाऊंगा, तो अगला ब्लॉग में। तो मैंने अपना घर दिखा दिया आप लोगों को, तो चलिए आप लोगों को खदान दिखाता हूँ, आगे खदान दिखाता हूँ, यहाँ का प्रसिद्ध दिखाता हूँ हम लोग घर के बाहर का, उधर का कहाँ कहाँ घूमता था उधर का सीन दिखाता हूँ। और चलिए, और हाँ मेरा घर ये यहाँ पे बाजार है, और देखिए अभी नया नया रोड बन रहा है, वो कॉलोनी है, इधर बहुत सारा कॉलोनी है, दिखाऊंगा आपको आप लोगों को आगे में। और थोड़ा सा मेरा तबीयत ख़राब है, गला खराश हो चुका है, सर्दी है थोड़ा सा, तो दिक्कत हो रहा है बोलने में थोड़ा सा। ये तो छोटा छोटा फील्ड है, ये बाज़ार लगता है यहाँ पे, सामने ही ये बाज़ार है, ट्यूसडे को लगता है बाज़ार, मंगल बाज़ार, ट्यूसडे को मंगल बाज़ार लगता है इधर पूरा एरिया में। ये देखिए ये भी पूरा एरिया है, बाज़ार का एरिया है, और जंगल है जहाँ से अपना जो लेना है दतून या पता है तोड़ना है वो लोग जाता है। और इधर घर बना हुआ है देख लीजिए, पहले जंगल था ये भी, अब तो इधर थोड़ा सा पहले बहुत ज़्यादा जंगल था, अभी तो साफ़ सुथरा हो चुका है, और रास्ता भी बन चुका है, नया नया बन रहा है। यहीं कभी कभी घूमने आते हैं, टहलने आते हैं शाम में, और कभी मन किया तो घूमने जाते हैं। ये चलो आगे आगे आपको जाऊंगा तो दिखाऊंगा आगे का सीन भी। तो और वो रहा मंदिर देखिए वहाँ पे, इस जगह से रास्ता है जाने के लिए, उसके बाद अपना वहाँ पे दुर्गा पूजा भी होता है, और एक मंदिर इस जगह पे भी है इधर में आगे 2 किलोमीटर आगे। तो सरकारी हॉस्पिटल देखिए और मेडिकल वहाँ पे होगा, आगे चल रहा है पब्लिक। ये देखिए यहाँ पे दुर्गा पूजा की तैयारी चल रही है, देखिए मूर्ति बन रहा है। अभी मैं सामने नहीं जाऊँगा, चाह रहा हूँ घर, फिर भी ठीक नहीं, फिर भी मैं बना रहा हूँ आज का, तो आपको दिखा दिया मैंने धनधनिया का मंदिर। एक और मंदिर है पर वो सिर्फ दुर्गा पूजा होता है तब इस्तेमाल होता है वो मंदिर। तो ये रहा कॉलोनी, आ चुके हैं हम लोग कॉलोनी से, जा रहे हैं नीचे खदान की ओर। ये सारे क्वार्टर हैं, सीसीएल क्वार्टर,
देख सकते हैं सिविल क्वार्टर। अभी नीचे जा रहे हैं, कहां तक देख सकते हैं आप लोग। अभी थोड़ा और दूर है, धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। तो कदम आगे जाएंगे, उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा। गाइस देख रहे हैं जंगल है, थोड़ा सा रास्ता भी थोड़ा सा ख़राब है। पहले इधर घर नहीं था, अभी घर बना हुआ है। पहले इधर थोड़ा सा जंगल रहा था पूरा। अब देख रहे हैं पूरा खेत उत बना हुआ है इधर पूरा। ये देखिए खंडर, पुराना हवेली, भूतिया बंगला पहले बोलते थे हम इसको, जाने में सबकी फटती थी। तो देखिए गाइस फाइनली थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। और एक बात बताना था आप लोगों को कि पहले मैं उधर एक कॉलोनी होगा, उस कॉलोनी में उधर एक कॉलोनी था, उधर रहता था मैं बचपन में, इधर ही रहता था बचपन से, बढ़ा हूँ मैं इधर ही, बढ़ा हूँ मैं। तो उधर मेरा कॉलोनी होगा, ये तो और भी कॉलोनी सारे कॉलोनी इधर हैं, मतलब ए टाइप बी टाइप से लेकर प्रेम गली नाम है, मतलब चार पाँच से ज़्यादा ही होगा। उधर से जो है उधर साइड से, उस जगह से लेकर कॉलोनी बना हुआ है आपका लास्ट उधर तक बना हुआ है, तो पूरा लाइन बाय लाइन कॉलोनी है। जिस कॉलोनी से मैं अभी आया हूँ ना, तो हमको लग रहा है सातवां आठवां कॉलोनी होगा। और मेरा घर वहाँ पे था, छोटा मैं आता था घूमने फिरने इधर, उस टाइम इधर तो पूरा जंगल था, इस जगह पर पूरा ज़्यादा ही जंगल था। और ये तो एकदम ही नहीं था, ऊँचा नहीं था, ये भी गड्ढा नहीं था, ये बहुत पीछे था पहले, बहुत पीछे। तो चलिए आगे दिखा। तो देखिए फाइनली पहुंच चुके हैं, देखिए यहाँ का सीन, बहुत गड्ढा है नीचे, बहुत ज़्यादा। इधर से जहाँ कभी भी लोग कभी दिखाऊँ, इधर से भी दिखा देता हूँ। तो देखिए गाइस है ना नज़ारा खतरनाक। पहले इधर एक कुआं हुआ करता था इस साइड पे, और ये पूरा समतल ज़मीन था पहले। फिर इधर आते थे नहाने इस साइड पे, और मछली पकड़ते थे इधर इस जगह पे। ये पूरा जॉइंट था, जो तालाब दिख रहा है ना, वहाँ से पूरा यहाँ तक तालाब था पहले। लेकिन आप देखिए खुद गया, पूरा तरह से खोद दिया। देखिए कैसे दिख रहा, पूरा खोद दिया। तो गाइज आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ। देखिए हालत क्या हो गया गर्मी में। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ। तो मिलते हैं आपको अनदर ब्लॉग में, और एक अलग ब्लॉग में। तो बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ में, तो आपको भी और आगे 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 होने वाला इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो टिल देन बाय।